हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर की या एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया है कि द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम कैन बी एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। इन दीज इक्वेशंस, जो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन देखी थी, उसमें जो दो इक्वेशंस है, जिसमें एक इक्वेशन होती है आपकी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक होती है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो यहाँ पर कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या रिप्रेजेंट करता है? तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम। ऐसे ही कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम। और जैसे कि आप जानते हैं कि व्हेनेवर देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन ए मीडियम ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, जब भी कोई प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसफ़र होती है, प्रोपोगेट होती है, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं देर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी प्रकार से जब एनर्जी वेव प्रोपोगेट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो वहाँ पर भी क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम। ठीक है, तो इसके लिए हम मैक्सवेल के दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं? कंसिडर अ वॉल्यूम वी इनक्लोज बाय अ क्लोज सरफेस एस विद इन द मीडियम। ठीक है, इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट। एक वॉल्यूम वी है विच इज़ इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एस विद इन द मीडियम। ठीक है, और इसमें जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? पॉइंटिंग वेक्टर, या यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी डेंसिटी। तो मैक्सवेल की जो सेकेंड इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल ऑफ ई, और फोर्थ इक्वेशन होती है कर्ल ऑफ वी। तो दोनों इक्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, कर्ल ऑफ ई को आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस ई, और कर्ल ऑफ बी को आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस बी। तो कर्ल ऑफ ई क्या होता है? माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी, और कर्ल ऑफ बी क्या होता है? म्यू ज़ीरो ब्रैकेट वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 9.16 विथ बी। जो 9.16 या इक्वेशन नंबर 1 है, उसमें आपको वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट लेना है, और ठीक इसी प्रकार से जो सेकंड इक्वेशन है आपकी, उसमें आपको वेक्टर ई का स्केलर प्रोडक्ट लेना है और दोनों को आपस में घटाना है। चलिए घटा देते हैं। पहले जो 9.16 है उसमें हम वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, और 9.17 में वेक्टर ई का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं। तो जैसे ही हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी इक्वेशन आपकी, वेक्टर ई डॉट डेल क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी डॉट डेल क्रॉस वेक्टर ई। तो हमने यहाँ पर देखिए स्केलर प्रोडक्ट ले लिया है ई और बी का। ठीक है, और ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी यही होगा, वेक्टर ई का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9.17 में, और 9.16 में वेक्टर बी का मल्टीप्लाई हो गया है, और हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है, ध्यान रखेंगे डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा म्यू ज़ीरो वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी माइनस, और फिर वेक्टर बी का हम यहाँ पर प्रोडक्ट कर देंगे डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, म्यू ज़ीरो का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू ज़ीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे अलग लिख लेंगे, और म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन ज़ीरो वेक्टर ई डॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वेक्टर बी डॉट डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी, इसे हमने एक साथ ब्रैकेट में दिया। अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला होता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, यदि लिखा हो तो उसका मतलब होता है वेक्टर बी कर्ल ए माइनस वेक्टर ए कर्ल बी, यानी कि डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ई क्रॉस बी, जैसा कि हमारे इक्वेशन में लिखा हुआ है, उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, वेक्टर बी डॉट डेल ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर ई माइनस वेक्टर ई डॉट डेल ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर बी। क्योंकि डाइवर्जेंस का मीनिंग आपको हमने पहले ही वीडियो में बताया था
कि डाइवर्जेंस यानी कि डेल ऑपरेटर डॉट होता है और कर्ल यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस होता है। तो ये देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन लिखी है उसको चेंज किया जा सकता है डेल ऑपरेटर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन हमको उल्टी लिखी हुई है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो माइनस जब हम लगा देंगे तो ये इक्वेशन हमारी इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरी चीज़ लिखी थी उसकी जगह डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। राइट हैंड साइड जैसा है पहले लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब हम ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएगी आपकी म्यू जीरो वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस ब्रैकेट में जो क्वांटिटी वो रहेगी आपकी म्यू जीरो। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई का आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई का तो ये आ जाएगा आपका ई स्क्वायर अपॉन टू, ऐसे ही बी स्क्वायर अपॉन टू भी आएगा। तो जो अपॉन में टू आएगा उसको हम अलग लिख लेते हैं, तो म्यू जीरो अपॉन टू डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही वन अपॉन टू यहाँ पर भी अलग होगा डेल बाई डेल टी ऑफ बी स्क्वायर। और ये तो हमने ट्रांसफ़र कर ही लिया एक साइड में डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, म्यू जीरो से पूरे इक्वेशन में हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो म्यू जीरो हट जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर जे प्लस डेल बाई डेल टी, यहाँ भी म्यू जीरो हट जाएगा तो डेल बाई डेल टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई टू बचेगा। यहाँ पर नहीं था म्यू जीरो तो लग जाएगा वन डेल बाई डेल टी ऑफ बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू जीरो हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे भी वन अपॉन म्यू जीरो हो जाएगा डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। अब हम क्या करते हैं इस इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेते हैं, तो दोनों ओर वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा, लगा दिया हमने वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में आपको तीन अलग अलग टर्म्स देख रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में दो अलग अलग टर्म हैं, अब इन दोनों टर्म को हम